नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटिकल्स गाइड में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोग को ड्यू स्टार्टर विद पीएलसी स्टार्ट की जो वायरिंग होती है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो इसका ड्राइंग मैंने खुद बनाया है ऑटो कैड से और उसको मैंने पीडीएफ में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि देखिए मैं नीचे दिखा भी देता हूँ। ये टाइटल मैंने ड्यू स्टार्टर विद पीएलसी स्टार्ट लिखा है और क्लाइंट का नाम मैंने इलेक्ट्रिकल गाइड मेरा चैनल है और कंसल्टेंट आपको www.omtechguide.in जो कि मेरा एक ब्लॉग है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका कंट्रोल एमसीबी से स्टार्ट किया जाता है। कंट्रोल एमसीबी मैंने आपका एसपी एक लिया है, एसपी मतलब सिंगल पोल एमसीबी मैंने लिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से एक कंट्रोल सप्लाई लिया और उसको ऑल आउट रिले में दे दिया। ऑल आउट रिले से सप्लाई को निकाल कर आप स्टॉप बटन में दे दीजिए। स्टॉप बटन से जो सप्लाई निकलेगा उसको आप एक टीवी में दे दीजिए जिसमें मैंने फेरून नंबर 104 दिया और सेकंड टीवी में आपको 105 मैंने दिया हुआ है। तो ये डिसेस स्टॉप के लिए होगा, मतलब डिसेस स्टॉप के लिए मेरे को यहाँ से कमांड मिलेगा, ठीक है। वहाँ से जो भी केबल निकलेगा उसमें उसके बाद में आप सेलेक्टर स्विच में देंगे। सेलेक्टर स्विच में आपका दो पॉइंट्स, एक इनकमिंग रहता है और दो आउटगोइंग रहता है। सो एक आउट जो गोइंग है उसको यूज़ हम पीएलसी से स्टार्ट के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा वो पैनल से स्टार्ट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पैनल से स्टार्ट वाले वायरिंग उसको पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैंने एक केबल निकाला, कंट्रोल केबल निकाला और उसको पैनल से स्टार्ट वाले जो पुश बटन रहेगा उसके इन पॉइंट पर दे दिया और आउट पॉइंट से निकाल कर आपको जो कॉन्टेक्टर है उसके कॉइल में मैंने दे दिया, ठीक है। और कॉन्टेक्टर के जो सेकेंड कॉइल का जो पॉइंट है, कॉइल का जो सेकेंड पॉइंट है उसको मैंने डायरेक्ट ये न्यूट्रल दे दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको होल्डिंग की भी जरूरत पड़ती है। सो होल्डिंग के लिए मैंने क्या किया है, कॉन्ट्रेक्टर का जो पुश बटन का स्टार्ट पुश बटन का जो इन पॉइंट है वहाँ से मैंने एक सप्लाई लिया है, एक केबल लिया है और जो कॉन्ट्रेक्टर जिसको मुझे होल्ड कराना है या मेन कॉन्ट्रेक्टर है पावर कॉन्ट्रेक्टर उसके एनओ पे मैं एक सप्लाई दूंगा, मतलब इसी सप्लाई को खींच के दूंगा, केबल लाऊंगा और यहाँ से निकाल कर वापस मैं कॉन्ट्रेक्टर के कॉइल में दे दूंगा। तो ये इसका होल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। जिससे से स्टार्ट के लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक टीवी दे दिया है, दो टीवी दे दिया है जिसका हमने फेर नंबर 1010 एंड 107 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं टीवी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टीवी हमने कहाँ कहाँ पे दिया है। एक तो टीवी 104 105 दिया हुआ है, तो देख लेते हैं 104 105 ये आपका डिस्टेंस स्टॉप है। उसके बाद डिस्टेंस स्टार्ट के लिए 110 ए और 107 था। तो देखिए ये आपको 110 ए और ये 107 है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लिया है A1 A2। तो ये पीएलसी को फीडबैक देने के लिए यूज़ किया गया है, ये उसके उपयोग फिर हमने यूज़ किया है। तो सपोज मैंने स्टार्टर को पीएलसी से ये पैनल से जिसे भी आप स्टार्ट कीजिए तो आपका कॉन्टैक्टर के तो होल्ड होगा, साथ ही साथ ये जो आपका ये कॉन्टैक्टर है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके होल्डिंग से जैसे ये होल्ड होगा तो इसके जो एनो पॉइंट है, देखिए A1 का जो एनो पॉइंट है वो हमने ऑन के इंडिकेशन के लिए यूज़ किया है, ठीक है। स्टार्टर को आप ऑन करोगे तो ये भी बैठ जाएगा, ठीक है, ये भी होल्ड हो जाएगा। तो इसके जो भी एनो रहेगा वो एनसी बन जाएगा। सो यहाँ से सप्लाई मेरे को मिलेगा और ऑन के इंडिकेशन को मिलता रहेगा, ठीक है। ऑफ के इंडिकेशन के लिए क्या किए हैं, इसका एनसी पॉइंट है, इसी कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट को आप यूज़ कीजिए और वहाँ से आप ऑफ के जो इंडिकेटर लैम्प है उसमें आप कनेक्शन कर दीजिए, ये ऑफ का इंडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो A1 को जो देखिए A1 दिखा रहे हैं अपने, एक और एनसी पॉइंट देंगे जिसका हमने फिर नंबर 111 और 112 लिया है। तो ये ऑन का था, सो ऑन के फीडबैक के लिए यूज़ किया हमने, देखिए यहाँ पर 111 112 ऑन के फीडबैक के लिए यूज़, ठीक है। और 113 और 114 जो कि A1 कॉन्टेक्टर के ही एनसी है इसको हम ऑफ के फीडबैक के लिए यूज़ किया, देखिए 113 एंड 114, ठीक। आगे देखते हैं ट्रिपिंग के लिए क्या करेंगे, आप ट्रिपिंग के लिए क्या करेंगे कि ट्रिपिंग के जो पॉइंट्स है वहाँ से जो केबल्स आएंगे उसको आप एक अलग से कॉन्ट्रेक्टर लेंगे A2 और वहाँ पे सप्लाई दे देंगे और फिर न्यूट्रल जो है वो डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। तो जब भी ट्रिपिंग की कोई कंडीशन आती है तो मेरा A2 जो कॉन्ट्रेक्टर है वो आपका बैठ जाएगा या A2 कॉन्ट्रेक्टर होल्ड हो जाएगा। इसके होल्ड होने से क्या होगा, ट्रिपिंग का इंडिकेशन जलेगा, कैसे जलेगा, क्योंकि मैंने इस जो A2 है उसका NO यूज़ किया, तो NO यूज़ करूँगा तो जैसे ही NO NC बन जाएगा ये आपका ट्रिपिंग का इंडिकेशन आने लगेगा, ठीक है। और इसी A2 का जो NC पॉइंट, एक और यहाँ पे NO दिखा दिया है जो कि गलत है, वो NC पॉइंट ही होगा,
नहीं सॉरी, यहाँ पे जो एन सी पॉइंट दिखाया दिया वो गलत है, वहाँ पे एन ओ पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे एन ओ पॉइंट होगा और उसका हमें यूज ट्रिपिंग इंडिकेशन ट्रिप फीडबैक के लिए यूज़ किया है। देखो 115 और 116 ये ट्रिप फीडबैक के लिए यूज़ किया है, ठीक है। और साथ ही साथ जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पे नोट में जरूर लिख देना कि मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ है। तो के जो हमने ये जो के यूज़ किया है पावर क्वांटिटेटर है, और ए हमने यूज़ किया है वो ऑक्सिलरी क्वांटिटेटर है, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड इस स्टार्टर को बनाने के लिए उपयोग में आने वाले जितने भी मटेरियल है या स्विच वगैरह उसके बारे में आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग है, आप लोग उस ब्लॉग में मैं ले चलता हूँ। देखिए मेरा ब्लॉग है www.omtechguide.in, ठीक है। तो इस ब्लॉग में जाइए और आपको ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेटा स्टार्टर, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पैनल्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप ड्यूल स्टार्टर में जाइए, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए आर्डियो स्टार्टर है, ड्यूल स्टार्टर है, एपीयूसी पैनल्स है, ये बहुत से पैनल्स को मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो अभी फिर हम बात करते हैं ड्यूल स्टार्टर के बारे में। तो ड्यूल स्टार्टर का मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे वेबसाइट में पोस्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो भी मटेरियल स्टार्टर बनाने के लिए उपयोग में आता है वो सारे मटेरियल का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपका एमसीबी पावर क्वांटिटेटर है, थर्मल ओवन डिले है, आपका एटम ब्लॉक है, तो वो सारी चीज़ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है इमेज के साथ में। तो आप इस ब्लॉग में या इस वेबसाइट में एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।